हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जिस शख्स ने पीसीओ का हल्फ उठाया हो वो क्या किसी को इंसाफ देगा? जिस शख्स ने पीसीओ का हल्फ उठाया हो वो कैसे किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर सकता है? इंसाफ की उम्मीद खत्म। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के गैर जमहूरी रवैये से मायूस। जमहूरियत के लिए जरदारी से बातचीत पर तैयार। लीगी अराकीन को टेलीफोन कॉल्स मामले की तहकीकात का ऐलान। एनआरओ किया ना आइंदा करेंगे। नवाज शरीफ ने पीटीआई को गैर जमहूरी पार्टी करार दे दिया। पीटीआई जैसी पार्टियां तो होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती फैशिस्ट किस्म की अपना वो पार्टी है। वो जो 160 मेंबर पार्लियामेंट है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप शर्म से डूब जाएं। दुनिया की जमहूरियत की तारीख के अंदर इस तरह का किसी ने अपने मुल्क का मजाक नहीं उड़ाया। कप्तान के नवाज शरीफ को वोट देने वाले 160 अराकीन असेंबली पर बाउंसर। नवाज शरीफ ने आवाम और अदालतों को धोखा दिया। तब्दीली आई या नहीं आइंदा इलेक्शन में फैसला होगा। इमरान खान की ललकार। इमरान खान ने ऐवान न आकर नवाज शरीफ का साथ दिया। दोनों जमहूरियत पर ढकोसला करते हैं। ना अहल लीडर बनेगा तो पूरी पार्लियामेंट ना अहल तसव्वुर की जाएगी। खुशी चाह की तनकीद। इमरान खान जब कहता है कि जी नाहल शख्स जो है वो पार्टी का जो है वो सदर नहीं हो सकता, मैं उसे पूछता हूं कि अगर बदकिरदार इंसान पार्टी का सदर हो सकता है तो नाहल को नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह को इमरान खान पर तनकीद का मौका मिल गया। आसिफ जरदारी जमहूरियत की ईंट से ईंट बजाने पर कमर बस्ता है। वजीर कानून पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर वार। शरीफ फैमिली के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 28 नवंबर को दोबारा पेशी। हाजिरी से इस्तिस्ना की नई दरखास्तों पर नैब से जवाब तलब। हुदैबिया पेपर मिल्स का सबूत, लंदन अस्पताल में जेरे इलाज है। नवाज शरीफ इसहाक डार को वापस नहीं आने देंगे। नून लीग के जमहूरियत को तबाह कर रही है। एतजाज एहसन के ताबड़तोड़ हमले। हल्का बंदियों का मामला, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मदद मांग दी। वजीर आजम का खुर्शीद शाह से राबता। सेनेट में कानून साजी के लिए साथ देने की दरखास्त। पार्टी कयादत से राबता करें, ऑपोजिशन लीडर का जवाब। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। हत्या के इज्जत दावे की समाअत। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ केस के जल्द फैसले के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज ने कप्तान से 5 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। आयशा गुलालई की ना अहली का रेफरेंस खारिज करने का फैसला चैलेंज। शो कॉज नोटिस के बाद रुकने असेंबली की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। ना अहल करार दिया जाए। कप्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। इस्लामाबाद फैजाबाद धरने का 17वां रोज। हुकूमत और शुरका के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर बेनतीजा। आज फिर बातचीत होगी। वतन पर एक और जान निछावर। डीआई खान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए मेजर इसहाक शहीद। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, डीजीआई एसपीआर का ट्वीट। खैरात नहीं हक दिया जाए। हुकूमत 3 शाराहें बनाकर ख्वाब में छिछड़े देख रही है। वसीम अख्तर का हुक्म नाने वालों के खिलाफ मुकदमात बना दिए जाते हैं। फारूक सत्तार का शिकवा, इलेक्शन में सियासी मेंढकों की जमानतें जब्त कराने का दावा। कराची के कुरंगी इलियास कोर्ट में मियां बीवी और बेटी का कत्ल।
शोहर ने वारदात के बाद खुदकुशी की। पुलिस को शुबह, खातून तलाक लेना चाहती थी, रिश्तेदारों ने हकीकत बता दी। सुबह हम लोग का फोन आया, बहुत सारी गोलियां लगी हैं। हम लोग यहाँ पहुंचे तो ये देख रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर फूफो को भी मार दिया, कजन को भी मार दिया। इन लोगों की बड़ा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी पहले, दो तीन दिन हो गए, दो तीन महीने ही हो गए। अभी इसने केस किया था अदालत में तलाक का। डेरा इस्माइल खान में लड़की की बेहुर्मती, FIR में काबिल जमानत दफात शामिल किए जाने का इंकशाफ। मुतासरा लड़की के वकील की दहशत गर्दी दफात शामिल करने की दरख्वास्त। मुल्तान में बुजुर्ग जोड़े पर तशद्दुद और अराजी पर कब्जे का मामला, पुलिस की जानिब से मिस हैंडलिंग की तस्दीक। जायदाद के दूसरे हिस्सेदार भी हैं। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज रंग ले आया, सिंध हुकूमत ने तनख्वाह जारी करने का ऐलान कर दिया। शोरो साहब, सरकी साहब, आपको पता है हाउस में गुटखा खाना, चुइंग टबैको और चुइंगम खाना अलाउड नहीं है, तो काइंडली डोंट डू इट। चावला साहब का मैंने सुना था गुटखा खाता है, लेकिन आई डोंट नो। जी आप भी खाते हैं? बनाता है वो। सिंध असेंबली में चुटकले, आगा सिराज दुरानी को गुटखा खाने वालों से परेशानी। उस्तानी शहला रजा ने सीमा जिया की क्लास ले ली। अभी तो कॉल अटेंशन बोलती हूँ, बाद में आप इस, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर कहा है कि कॉल अटेंशन पे बात करें प्लीज। मैडम आप अपना लहजा सॉफ्ट रखें। मैं स्ट्रॉन्गली कह रही हूँ आपसे कि आप कॉल अटेंशन पे बात करें। मैं कॉल अटेंशन पे बात कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं आपको जब मुनासिब समझूंगी टाइम दे दूंगी। हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म, नजरसानी बोर्ड ने तौफीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर में रिहाई के बाद कारकुनों का इस्तकबाल। लुबनान के वजीर आजम साद हरेरी आजादी की तकरीब में शरीक, वतन वापस पहुंचते ही यू टर्न, इस्तीफे का फैसला मौखर कर दिया। सदर मुशेल ओन से मुशावरत। नवाज शरीफ का, जिन्होंने कहा है कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, जमहूरियत के लिए आसिफ जरदारी से गैर मशरूत बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि कभी NRO किया ना आइंदा करेंगे। इस्लामाबाद के अस्पताल में लीगी अरकान की आयादत के बाद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आमिरों के काले कवानीन को तहफ्फुज़ नहीं मिलेगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद होना मुखालिफिन की आंखें खोलने के लिए काफी है। इसके अलावा साबिक वजीर आजम ने PTI को गैर जमहूरी पार्टी करार दे दिया। ये भी कोशिशें की जा रही थी ऐसी, फादर साहब ने कहा कि फोन कॉल्स आपके लोगों को आई हैं कि वो ना जाएं। मुझे हमारे कुछ मेंबर ने ये बातें बताई हैं और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीनन इसके तय तक पहुंचने की, भरपूर तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तकलीफ होती है मुझे कि जब पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो है, जिसने खुद स्ट्रगल की हो एक ज़माने में, वो इस तरह के काले कानून और वो इस तरह के डिक्टेटरों के कवानीन को उठ के सपोर्ट करे। कल तस्वीर मैंने उनकी देखी है पीपल्स पार्टी की, उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। मिसाल के जमहूरियत, मैं आज तक उस पर कायम हूँ। हमने कोई NRO नहीं किया, कभी नहीं किया, किसी से नहीं किया और करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। PTI जैसी पार्टियां तो होती हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, तो मैं तो उनकी तरफ ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी सियासत डेमोक्रेसी की सियासत नहीं है, फैशिस्ट किस्म की अपना वो पार्टी है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि नाअहल शख्स को पार्टी सरबराह बनाने वाले 160 अरकान पार्लियामेंट शर्म से डूब मरे।
ارکان اسمبلی کو 94 ارب روپے کی رشوت دی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف نے عوام اور عدالتوں کو دھوکہ دیا ہے. تبدیلی آئی یا نہیں عوام آئندہ انتخابات میں بتا دے گی. وہ کوہاٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ساٹھ ڈاکیومنٹس دیے ہیں سپریم کورٹ کو, 60 ڈاکیومنٹس. میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں ان میں سے ایک بھی غلط ہوئی تو میں خود ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. میں ڈاکیومنٹس دے سکتا ہوں, ایک کرکٹر ہوتے ہوئے 60 ڈاکیومنٹس دے سکتا ہوں. ان کے پاس کیوں نہیں ہے ڈاکیومنٹ؟ کیونکہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے. اتنا بڑا لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, کیونکہ لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتا ہے, کیونکہ 30 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ناہل آدمی کو ایک پارٹی کا سربراہ بناتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو پبلک نمائندے کہتے ہیں, پبلک کی ووٹ سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو 160 ممبر پارلیمنٹ ہے, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ شرم سے ڈوب جائیں. دنیا کی جمہوریت کی تاریخ کے اندر اس طرح کا کسی نے اپنے ملک کا مذاق نہیں اڑایا. دوسری دفعہ ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کوئی وفاداری پاکستانی قوم سے نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو 94 ارب روپے کی رشوت دی گئی ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ, 94 ارب, اور ان کو رشوت دے رہے ہیں زمین خریدنے کے لیے 94 ارب روپیہ. اور وہ 94 ارب روپیہ کل بول رہا تھا اسمبلی میں جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے ایک مجرم کو انہوں نے ووٹ کیا کہ پارٹی کا سربراہ رہے.